अब तक आपने चंबल के एक से बढ़कर एक दुर्दांत और साहसी डाकुओं की कहानी सुनी होगी। चाहे वह मोहर सिंह गुर्जर हो या निर्भय सिंह गुर्जर, चाहे वह मलखान सिंह हो या माधव सिंह, चाहे वह फूलन देवी हो या सीमा परिहार, चाहे वह अमृत लाल हो या पान सिंह तोमर, चाहे वह ठोकियाँ हो या ददुआ, लेकिन आज की कहानी इनसे भी बढ़कर पराक्रमी साहसी और दुर्दांत डाकुओं की अद्भुत कहानी है। आज की कहानी एक ऐसे डाकुओं की है जिनके पास पहले तो कुछ नहीं था, लेकिन देखते ही देखते उन्होंने जो साम्राज्य खड़ा किया उसे देखकर पुलिस तो पुलिस चंबल के दूसरे डाकू भी पानी मांगने लगे थे। उनका साम्राज्य ऐसा था कि इलाके की सरकार उनके इशारे पर चलती थी। वह जिसे चाहे वह प्रधानी से लेकर जिला पंचायत के चुनाव में निर्विरोध जीत हासिल करता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राम बाबू गड़रिया और दयाराम गड़रिया की। नमस्ते, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड अब YouTube चैनल। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दस्यु सम्राट राम बाबू और दयाराम गड़रिया की पूरी कहानी बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि कैसे एक गरीब के बेटों ने जंगलों का दामन थामा और देखते ही देखते अपनी बादशाहत कायम कर ली। आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे इन्हीं डाकुओं ने गुर्जर समाज के एक या दो नहीं बल्कि 13 लोगों को लाइन में खड़ा करके फूलन देवी की तर्ज पर गोली मारी थी और शान से अपना बदला लिया था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले का एक हरसी नामक गांव है। इसी गांव में राम बाबू और दयाराम का जन्म हुआ था। दोनों के पैदा होने के कुछ सालों बाद ही इनके पिता और माता की मृत्यु हो गई थी। अब दोनों बच्चों को भोजन के लाले पड़ रहे थे। इधर उधर से भीख मांग कर दोनों अपना गुजर बसर कर रहे थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और दोनों लोग अब लगभग 15 साल के ऊपर हो चुके थे। लेकिन इस दौरान दोनों लोगों को एक गलत लत लग गई, चोरी की। यानी राम बाबू और दयाराम अब दोनों लोग चोरी करने लगे थे। इसी को लेकर पड़ोसियों से उनका कई बार विवाद भी हो चुका था। लेकिन एक दिन गांव के ही कल्याण सिंह से इनका कुछ ज़्यादा ही विवाद हो गया और दोनों ने मिलकर कल्याण सिंह की हत्या कर दी और चंबल के बीहड़ों में कूद गए। अब साधारण से परिवार के लड़के बंदूक लेकर चंबल के खूंखार डाकू बनने का सपना देख रहे थे। कई दिनों तक जंगलों में घूमने के बाद इन दोनों ने रघुवीर गड़रिया के गैंग में शामिल हो गए। रघुवीर भी इन्हीं की तरह चतुर और चालाक था। रघुवीर के गैंग में शामिल होते ही दोनों ने जुर्म की दुनिया में अपनी एक अलग छाप छोड़नी शुरू कर दी। लूट अपहरण की घटनाएं अब ग्वालियर सहित शिवपुरे जिले में बढ़ रही थी। इस दौरान दोनों भाई रघुवीर गड़रिया के गिरोह में काम करते रहे। साल 1999 में बैराट थाना पुलिस और गड़रिया गिरोह के बीच मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दावा किया कि उसने राम बाबू गड़रिया को मार दिया। एनकाउंटर में सब इंस्पेक्टर अशोक सिंह तोमर को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देकर निरीक्षक बना दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद पता चला कि मारा गया डकैत अभी जिंदा है और झूठे एनकाउंटर का दावा करने वाले अशोक सिंह तोमर पर पुलिस ने कार्रवाई की। दरअसल पुलिस ने गड़रिया की बहन और उसकी बॉडी का DNA मैच कराया जो कि मैच नहीं हुआ। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई कि राम बाबू अभी भी जिंदा है। फिर इसी साल एक आपराधिक वारदात के दौरान गोली लगने की वजह से रघुवीर मारा गया। उसके साथ मारे जाने वालों में 3 अन्य सदस्य भी थे। अब गड़रिया गिरोह की कमान राम बाबू और दयाराम के हाथों में आ चुकी थी। दोनों लोग धीरे धीरे पुलिस के लिए सिरदर्द बन रहे थे। साल 2001 में ये दोनों सदस्य पुलिस के हाथों पकड़ लिए गए। अब तक इन दोनों डाकू भाइयों के नाम कई हत्या और अपहरण के मामले दर्ज हो चुके थे। पुलिस की गिरफ्त में आते ही दोनों भाई ये बात भी अच्छी तरह से समझ रहे थे कि अगर कुछ नहीं किया तो बाकी की जिंदगी अब सलाखों के पीछे कटेगी। फिर कुछ दिनों बाद दोनों ने प्लान बनाया और एक दिन पेशी के दौरान ही वह पुलिस के चंगुल से भागने में कामयाब हो गए। इसके बाद इन दोनों भाइयों ने जुर्म की दुनिया में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इन दोनों भाइयों का बढ़ता दबदबा देखकर दूसरे गैंगों को इनसे जलन होने लगी। धीरे धीरे गड़रिया गिरोह का काफिला बढ़ता जा रहा था। चारों ओर इन्हीं के नामों की धूम थी। आम तो आम पुलिस वाले भी इस गिरोह से खौफ खा रहे थे। अब दोनों भाइयों ने एक और कदम बढ़ाते हुए अपना कारवां को और मजबूत करने की कोशिश की। यही सोचते हुए दोनों ने अपने दो मौसेरे भाइयों को गिरोह में शामिल कर लिया। उनका नाम था प्रकाश गड़रिया और गोपाल गड़रिया।
इन चारों में सबसे साहसी, सबसे बुद्धिमान और सबसे ज्यादा चालाक राम बाबू गरड़िया था। ये चारों डकैत दुस्साहसी इतने थे कि दिन दहाड़े पुलिस थानों के बगल से पूरे गैंग के साथ निकल जाते थे और पुलिस मूक दर्शक बनकर तमाशा देखती थी। अब दूसरे गैंग के छुटभैया डाकू भी इसी गैंग में शामिल हो रहे थे। इसी को लेकर दूसरे डाकू सरगना काफी चिंतित थे। इन दिनों दूसरी तरफ कई गैंगों का दबदबा चल रहा था, उसमें निर्भय सिंह गुर्जर, जगजीवन परिहार जैसे कई डकैत शामिल थे। अब धीरे धीरे गैंगवार की घटनाएं होने लगी थी। जो भी गरड़िया गैंग से भिड़ता उसे काफी नुकसान हो रहा था। यही देखकर सभी डाकुओं ने मिलकर गरड़िया गैंग से निपटने की प्लानिंग बनाई, लेकिन यह प्लानिंग कामयाब नहीं हुई। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि पूरे चंबल में गरड़िया समाज के लोग गरड़िया गिरोह की मदद करते थे और गुर्जर समाज के लोग गुर्जर गिरोह की मदद करते थे, यानी अब पूरा चंबल दो खेमों में पड़ चुका था। फिर एक दिन राम बाबू दयाराम गरड़िया गैंग गुर्जर समाज के एक गांव के बगल से गुजर रहा था, तभी गुर्जर समाज के लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस ने आनंद फानन इस गैंग को उसी गांव में घेर लिया। काफी देर तक मुठभेड़ हुई और आखिरकार गरड़िया गिरोह वहां से बस निकलने में कामयाब हो गया। फिर कुछ दिनों बाद मुठभेड़ में प्रकाश गरड़िया मारा गया। इस बात से गरड़िया गिरोह पूरी तरह टूट चुका था। गरड़िया गिरोह को शंका थी कि प्रकाश की मौत उसी के बिरादरी की मुखबिरी की वजह से हुई है। राम बाबू इस बात को लेकर अपनी बिरादरी से भी नाराज हो चुका था, लेकिन गुर्जर समाज के प्रति उसका गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। फिर एक दिन गरड़िया गिरोह ने ग्वालियर जिला के भंवरपुरा गांव में जाकर 113 लोगों को लाइन में खड़ा कर गोली मार दी। इस वारदात के बाद गरड़िया गिरोह पर पुलिस की नज़र तिरछी हो चुकी थी। सरकार ने आदेश दिया कि उन्हें गरड़िया गिरोह जिंदा या मुर्दा चाहिए। पुलिस का लगातार दबाव अब गरड़िया गिरोह पर बढ़ता जा रहा था। उधर जगजीवन परिहार और गरड़िया में टकराव शुरू हो गया। अब ये दोनों गिरोह एक दूसरे की पुलिस के सूत्रों से मुखबिरी कर रहे थे। ज्यादा दबाव देखकर गरड़िया गिरोह ने आत्मसमर्पण का मन बना लिया। डाकुओं ने पुलिस के सामने कुछ अनोखी शर्तें रखी, जैसे जेल में घूमने के लिए उन्हें सूमो गाड़ी दी जाए, जेल के अंदर ही मालिश करने वाला एक व्यक्ति भी दिया जाए, पुराने केसों को बंद कर दिया जाए, जेल में ही उन्हें खाने के लिए हर महीने देसी घी दिया जाए। ये शर्तें ऐसी थीं कि पुलिस ने इन्हें मानने से मना कर दिया। जब पुलिस ने शर्तें नहीं मानी तो गिरोह ने सीधे सीधे जिला कलेक्टर, विधायक और मंत्री तक की अपहरण की धमकी दे दी। फिर साल 2006 में अगस्त के महीने में एक मुठभेड़ के दौरान दयाराम गरड़िया की मौत हो गई। इस मौत के बाद राम बाबू अंदर से टूट गया था। दयाराम की मौत के बाद उसके गिरोह का महीनों तक कुछ पता ही नहीं चला। फिर कुछ दिनों बाद गैंग ने चंबल के बीहड़ों में वापसी की और आपराधिक घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह थी कि अब इस गैंग में वह धार, वह फूर्ति बिल्कुल नहीं बची थी। इसके पीछे की वजह थी दयाराम की मौत। फिर साल 2007 में राम बाबू भी एक मुठभेड़ के दौरान मारा गया। इस मुठभेड़ में गिरोह के कई आदमी भी मारे गए। ये बात तो साफ है कि अगर दयाराम की मौत ना होती तो राम बाबू इतना जल्दी नहीं मारा जाता। खैर, आप राम बाबू और दयाराम गरड़िया के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।